Hello and welcome back to the channel, everyone. As you all know, my name is Bhaskar. So guys, after a long time, almost एक साल या वन ईयर थ्री मंथ्स के बाद में वीडियो आ रहा है मेरा. तो गाइज, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इतने टाइम में भी मुझे बहुत सपोर्ट करा. जब मेरे वीडियोज़ नहीं आए तो पुराने वीडियोज़ में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है यूट्यूब पे, और अच्छा करना है अपने को. तो गाइज, आज का जो वीडियो है, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि अपन एक नई एडवेंचर बाइक की खोज में निकले हैं. और आप लोगों को पता है कि अब कितनी एडवेंचर बाइक्स आ चुकी है ऑलरेडी मार्केट के अंदर. तो एडवेंचर बाइक की सर्च करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है. तो गाइज, मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना, वो ढूंढ रहा हूँ 3 लाख के कम से नीचे के बजट में कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल. तो इसमें जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है वो है 4 बाइक्स. तो सबसे पहली है अपनी हिमालयन एज यूजुअल, सेकेंड है अपनी YZD एडवेंचर, थर्ड है अपनी एक्सपल्स 4V जो नया वाला मॉडल आया उसका, एंड फोर्थ है अभी सुजुकी V-Storm 250 जो आई है. तो अभी चलते हैं, चारों के अपन टेस्ट राइड लेते हैं. मेरे को यार ये समझ में नहीं आता मेरी गाड़ी से क्या प्यार है चिड़ियों को. ये देखो यहाँ पे तो बर्ड्स लव माय कार. तो जब जितनी भी साफ कर लूँ, अभी साफ करी है मैंने पूरी, अच्छे से नहीं करी, बट कल ही साफ करी थी और आज वापस से इन्होंने गंदी कर दी मेरी कार. ठीक है, कोई बात नहीं. मौसम लेकिन आज बहुत बढ़िया हो रहा है और अभी भी हम यहाँ इसलिए खड़े क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, वो आए तो हम निकले यहाँ से. सो फाइनली बना लिया, आओ बैठो बिराजो. मुझे शॉक कर रहे हो? यस. क्यों? Waiting for the test ride of this adventure. और ये देखो यार सामने स्क्रैम खड़ी है. हाँ, ये भी अच्छी लगती है. और इसको ये कैसी लगी है पीछे से? इसकी जो सीट है बैक साइड वाली, देखो दिखाता हूँ ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट है ना, इसको कॉकरोच जैसा लग रहा है इस स्क्रैम में. तो गाइस, दिस इज़ एडवेंचर जिसका मैं टेस्ट राइड ले रहा हूँ अभी. और अभी तक चलने में स्मूथ है, हिमालयन से ज़्यादा स्मूथ है ये बाइक. और फील एंड वो थंब वाला फील नहीं है हिमालयन वाला, बट स्टिल सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं है हिमालयन से. हिमालयन में ज़्यादा बेटर है. अभी फिर चलेंगे, फिर देखते हैं हिमालयन का. फिर भी पहले भी चलाइए तो पता है मेरे को. बाकी यहाँ मोड्स है इसके अंदर, वो एक प्लस पॉइंट है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी. अभी तो रास्ते पर एक बार और थोड़ा टेस्ट राइड लेके और आपको दिखाता हूँ मैं. बाकी थोड़ा अपन बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब कितने की है क्या है ये सब भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे. पहले चला लेते हैं इसको, लेट्स गो अगेन. वो एडवेंचर देख लिया अपन ने, YZD एडवेंचर, और अच्छी है बाइक, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है. हिमालयन ऑलमोस्ट कंसिडर करूँ तो हिमालय जैसी है. और प्राइसिंग उसकी जो है वो 280 के आसपास बढ़ रही है. एक चीज़ मुझे एडवेंचर में नहीं अच्छी लगी, वो मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड में उसमें टैंक पे केज है, वो स्टैंडर्ड में नहीं दे रहे हैं. और वो कंपल्शन है लगाना भी, मतलब वो ऑन रोड प्राइस में नहीं है और कंपल्शन भी लगाना 13,500 रुपये का. तो एक वो मुझे उसमें चीज़ बेकार लगी. और एक उसमें कैरेज चार्जेस डाल रखे उन्होंने, वो भी एक चीज़ अलग लगी मुझे. तो अब आ चुके हैं अपन रॉयल एनफील्ड के शोरूम के बाहर. ये है रॉयल एनफील्ड जो, और एक नुकसान भी हो गया अपना. वैसे शुभ होता है, बोलते हैं कि कुछ नया स्टार्ट करते हुए शुभ होता है. नया तो बनने स्टार्ट किया और नया ही गॉगल निकाला था और वो टूट गया. ये रहा, तो बड़े कमज़ोर गॉगल हैं शायद लेंस काट के, कि मेरा वेट भी नहीं झेल पाए क्योंकि मैं पिछले पॉकेट में डाल के गाड़ी के अंदर बैठा और वो टूट गया पूरा. कोई बात नहीं, चलो अभी अपन चलते हैं फटाफट से अंदर शोरूम. क्या बोलोगे, वीडियो बहुत लंबा बना रही है. चलो Guys, अब अपन आ चुके हैं हिमालयन के ऊपर और दिस इज रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS4 आई थिंक, BS6 नहीं है. तो इसका भी टेस्ट राइड लेते हैं और इसका भी थोड़ा रिव्यू देता हूँ. अब यार पता है एडवेंचर चलाने के बाद में ना ये थोड़ी और हैवी लग रही है. एडवेंचर थोड़ी ना वेट में थोड़ी कम है, मतलब वेट में शायद थोड़ी सी कम है इससे, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट चलाने में बहुत हल्का फील होता है. इसको चलाने में ना बहुत भारी वाली फीलिंग आ रही है.
गाइस अभी हिमालयन के डेजर्ट लेके आ चुके हैं, क्या फील हुआ हिमालयन और एडवेंचर में डिफरेंस? इसको सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए डिफरेंस चाहिए और उसको कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। इसमें कंफर्टेबल इसकी सीट ज्यादा है, एसडी की सीट थोड़ी मतलब स्टिफ लगी मुझे। यूएसडी की जो एडवेंचर की सीट है वो इसको स्टिफ लगी है, इसका कंफर्टेबल लेवल अच्छा लगा इसको। एंड एक और हमने कॉकरोच जो है बाइक को डिक्लेयर कर दिया मैम ने, वो ये वाली है। तो अकॉर्डिंग टू हर इसका बैग भी कॉकरोच के जैसा है। तो यार पता है मेरे को जो फील हो रहा है एडवेंचरस में डिफरेंस, ये अच्छी है हिमालयन ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी है, बट दोनों में ये डिफरेंस यार ये ना थोड़ी हैंडलिंग में ना इजी मेरे को वो लगी एडवेंचर यूएसडी एडवेंचर हिमालयन के कंपेरिजन में। बाकी हाँ ठीक है, बाकी और आपको डिटेल्ड एक जो है वो बात करेंगे, पहले देखते कितने की। शायद 272,000 है ये, वो 280,000 समथिंग पड़ रही है, थोड़ी सी इससे महंगी है एडवेंचर, बट हाँ फीचर्स वाइज भी उसमें थोड़ी ज़्यादा है। और अभी और भी चेक करते हैं, और भी बाइकें हैं दो और अपने पास में ऑप्शन में, वो भी देखते हैं फिर और डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। तो अब रॉयल एनफील्ड से निकल चुके हैं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन की भी रेजर्ट ले ली अपन ने। अभी रास्ते में KTM आने वाला है, तो KTM एडवेंचर 250 भी देख सकता हूँ, बट यार मेरे को देखना नहीं है KTM 250 एडवेंचर, क्योंकि वो ओवर प्राइज्ड है। उसके अगर कंपैरिजन में करूँ और दूसरी बाइक देखूँ तो उससे बेटर 390 है, लेकिन वो 3 लाख के ऊपर निकल जाती है और मेरा इतना बजट है नहीं, और एडवेंचर में इतना पैसा लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। 250 में, 250 अबव में KTM एडवेंचर बहुत अच्छी है, 390, 250 इतनी अच्छी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वी स्टॉम देखने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नई है, तो एक बार देख लेते हैं कैसी बाइक है और उसके बाद में एक्सपल्स देखने चलेंगे। ओके, तो सुजुकी के शोरूम के बाहर है, लेट्स गो इनसाइड। सो चाबी मिल गई है अपने को वी स्टॉम 250 की। बाहर बहुत शोर है यार, बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा। तो इसका भी टेस्ट राइड लेते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसी है बाइक। और इसका जो प्राइस है ना वो है 257,000, जो अभी इन्होंने बताया ऑन रोड जयपुर में। दैट्स अ गुड प्राइस। इस प्राइस रेंज में अपने पास में एडवेंचर HD भी है और हिमालयन भी है, 10-20,000 का ऊपर नीचे सब में डिफरेंस है, अच्छा प्राइस रेंज है। और पता नहीं मेरे को स्टर्नर वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, पहले चलाते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस दिस इज V-Storm 250 और इसको मैं अभी राइड करके आया हूँ, एंड नहीं आया इतना मज़ा यार, आई डोंट थिंक के इतना वर्थ है इस बाइक को। मतलब नॉर्मल लग रहा है, स्टनर चलाइए पुरानी किसी ने अगर चलाई हो तो वही स्टनर वाली फीलिंग है मेरे को। तो हाइट थोड़ी अच्छी है इस बाइक की, सस्पेंशन अच्छा है, एडवेंचर स्टाइल सस्पेंशन है, शोर बहुत है पीछे, बट मज़ा इतना आया नहीं रियलिटी में, मतलब एडवेंचर वाली फीलिंग नहीं है इसमें, और पावर भी मेरे को 250 के अकॉर्डिंग इतना लगा नहीं इस बाइक के अंदर। चलो बाकी गाड़ी बैठ के आपसे बात करता हूँ। बुरा ही नहीं है, असल में ये कि अपनी चॉइस नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो तो तुम ये मत बोलो कि वो खराब है, वो ये बोलो कि जिसको ऐसे स्पूकी टाइप बाइक्स पसंद है या मतलब जिसको ऐसे चोंच टाइप वाले सामान पसंद है, स्पोर्टी पसंद है, उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी, उनको लगेगा ये हिमालयन क्या है, ये क्या है, असल में चॉइस की बात होती है। V-Storm 250 सुजुकी, नहीं यार मतलब जिसको एडवेंचर प्रॉपर एडवेंचर बाइक चाहिए ना, मतलब ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों चले जो अच्छे से, उसके लिए नहीं है वो बाइक। अच्छी लग रही होगी लोगों को, कई डिज़ाइंस उसकी मतलब थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है तो अच्छी लगेगी कई लोग को, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे अगर कोई एडवेंचर मतलब मोटरसाइकिल लेने जा रहा ना उसके लिए वो बाइक मेरे हिसाब से नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आई वो बाइक। और अभी अपन आ गए यहाँ पे हीरो के शोरूम के बाहर। गाइस दिस इज एक्सपल्स 4V 200 और इसका जो है ऑन रोड प्राइस वो ये बता रहे हैं 1,57,000 के समथिंग। 200cc बाइक है, उन लोगों के कंपैरिजन में नहीं है, मतलब वो बहुत पावरफुल बाइक से हिमालयन एडवेंचर ये भी एंड 250 तो अपन चलो उसको हटाए दो बीच में से। अभी 3 बज के अपने पास में हिमालयन HD एडवेंचर एंड दिस वन। HD एडवेंचर इज 280,000, हिमालयन इज 72,000 एंड दिस वन इज 1,57,000। पावर का डिफरेंस है इन तीनों बाइक्स के अंदर, तो इसका भी डैशबोर्ड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर डैशबोर्ड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले चलाई हुई है, बहुत अच्छा डीसेंट पावर है, मतलब प्राइस वाइज इसके अंदर बहुत अच्छी फीचर्स हैं, डीसेंट पावर है, इसमें नेविगेशन भी है सब कुछ है इसके अंदर। तो लेट्स सी, देख अभी आपको और बताता हूँ अभी क्या फाइनल करेंगे। ओके, तो फाइनली टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में मुझे जो समझ में आया मैं आपको अब वो बताने वाला हूँ। मेजर 4 पॉइंट्स हैं,
जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस, एक मिडिल क्लास इंसान को बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहिए, तो इसमें अपन चार पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बाइक लेने से पहले जो मिडिल क्लास इंसान सबसे ज़्यादा कंसिडर करता है वो करता है प्राइसिंग पॉइंट। सबसे पहला होता है प्राइसिंग पॉइंट कि प्राइस कितनी है बाइक की। सेकेंड होता है उसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर उसका माइलेज और उसकी सर्विस कॉस्ट। तो ये चार पॉइंट्स होते हैं और वही चार पॉइंट्स में भी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग से। तो ये हैं सारे इसके पॉइंट्स जो मैंने एक रफली कॉपी में लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रॉयल इनफील्ड हिमालयन की। तो हिमालयन जो है वो अपने को पड़ती है ऑन रोड 270,000 स्टार्टिंग प्राइस है इसकी। ये जो इसका बेसिक कलर है उसका प्राइस है 272,000 रुपीज़। इसके ऊपर भी एडिशनल चीज़ें होती हैं, बट जो आपको ऑन रोड पड़ेगी वो अभी है 270,000 जयपुर में पड़ रही है। उसके बाद आती है ESG एडवेंचर जो है 280,000 रुपीज़ की ऑन रोड जयपुर में। फिर है एक्सपल्स 204V जो है 157,000 की जयपुर में। और उसके बाद में है अपनी सुजुकी वीस्टॉम 250 जो है 257,000 की सॉरी जयपुर में। तो ये है प्राइसिंग इन चारों बाइक्स की। उसके बाद में अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें अपन, तो सर्विस कॉस्ट है अपने को रॉयल इनफील्ड हिमालयन की अराउंड 2,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है। ESG एडवेंचर में भी अपने को 2,500 रुपीज़ की सर्विस कॉस्ट बैठती है। हीरो एक्सपल्स की जो सर्विस कॉस्ट है वो 1,500 के आसपास में बैठती है, 1,500 to 1,600 शायद, इससे ज़्यादा नहीं जाती है इसकी कॉस्ट। और वीस्टॉम की भी 2,500 के आसपास की सर्विस कॉस्ट है। ये मैं आपको फ्री सर्विस के बाद की कॉस्टिंग बता रहा हूँ, उससे पहले की नहीं। गाइस, उसके बाद में अगर बात करूँ मैं स्पेसिफिकेशंस की, तो मेजर स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो जो मैंने यहाँ पे लिखी वो है। तो रॉयल इनफील्ड हिमालयन में इंजन जो है वो है 411 cc का ऑयल कूल्ड। तो ये जी एडवेंचर में है 334 cc का, 350 cc लिखा है मैंने, लेकिन है 334 cc है। और ये है लिक्विड कूल्ड इंजन, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में आती है एक्सपल्स 4V जिसका इंजन है 199 cc का ऑयल कूल्ड इंजन। और उसके बाद में है सुजुकी वी स्टॉम जिसका इंजन है 250 cc का ऑयल कूल्ड इंजन। उसके बाद अगर ब्रेकिंग की बात करें चारों बाइकों की, तो हिमालयन की ब्रेकिंग है डुअल ABS आ जाता है। ESG एडवेंचर में भी डुअल ABS है, हीरो एक्सपल्स में सिंगल चैनल ABS है, और सुजुकी वीस्टॉम में भी डुअल चैनल ABS है। फिर अगर बात करें अपन मीटर की, इनका जो मीटर है वो हिमालयन में अपना एनालॉग मीटर आता है, प्लस में ट्रिपल नेविगेशन आ जाता है साइड में। ESG एडवेंचर में फुली डिजिटल मीटर है, और एक्सपल्स 200 में भी फुली डिजिटल मीटर है, सुजुकी वीस्टॉम में भी फुली डिजिटल मीटर है। सीट हाइट की बात करें अगर, तो हिमालयन की सीट हाइट सबसे कम है इनमें, 800 mm सीट हाइट है हिमालयन की। फिर ESG एडवेंचर की हाइट है जो वो है 815 mm, हीरो एक्सपल्स की जो है वो 823 mm है, और सबसे ज़्यादा हाइट है इसमें सुजुकी वी स्ट्रॉम की जो 835 mm है। तो हाइट बहुत ज़्यादा है वी स्ट्रॉम की, मुझे भी लगी थी हाइट बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो हिमालयन की एंड ESG की सेम है, 15.5 ESG एडवेंचर की, 15.5 ज़्यादा है ESG एडवेंचर की। हीरो एक्सपल्स की जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13 liters, एंड सुजुकी वीस्टॉम 250 की है जो कैपेसिटी वो है 12 liters। जो अपना फोर्थ पॉइंट आता है वो है माइलेज का। हिमालयन का एंड ESG एडवेंचर का माइलेज ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हिमालयन और ESG का जो हाईवे माइलेज है वो 35 का है, एंड सिटी माइलेज 25 का है। अगर मैं बात करूँ हीरो एक्सपल्स की, तो हीरो एक्सपल्स का जो माइलेज है वो हाईवे पे आता है 40+ का, एंड सिटी में आता है 35। तो इसका ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, इंजन भी छोटा है तो माइलेज भी ऑब्वियसली इसका बहुत अच्छा होगा। तो ये है इसका माइलेज। एंड अगर सुजुकी वीस्टॉम की बात करें तो इसका जो हाईवे माइलेज आ रहा है वो आ रहा है 35 का, एंड सिटी में 30 के आसपास का माइलेज है इसका। तो गाइस, ये थी जो मेजर चार पॉइंट्स मैंने आपको बोले, स्पेसिफिकेशन हो गई, प्राइसिंग हो गई, सर्विस कॉस्ट हो गई, और माइलेज हो गया। तो गाइस, आपको अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इनकी सर्विस कॉस्ट, माइलेज और सब क्या है। तो अब आपको थोड़ा इजी रहेगा बाइक को सेलेक्ट करने में, जो मेरे लिए भी अभी ईजी रहा है थोड़ा। वैसे ये तो हो गई इन चारों बाइकों की बात, इसके स्पेसिफिकेशंस, आपके सर्विस कॉस्ट, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, बट आपको कंसिडर कौन सी करनी चाहिए। तो गाइज़, अगर आपका बजट 3 lakh से कम है और आप ESG और हिमालयन में थोड़ा कन्फ्यूज हो, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ESG एडवेंचर सेलेक्ट करो, क्योंकि ESG एडवेंचर में बेनिफिट क्या है आपको, न्यू टेक्नोलॉजी है। ओके, इसमें मैंने मोड्स की बात नहीं करी, मोड्स में बताना आपको भूल गया। तो ESG एडवेंचर में आपको 3 modes मिल जाते हैं, जो है रोड, रेन एंड ऑफ रोड मोड। ये 3 modes मिलते हैं आपको ESG एडवेंचर में। हिमालयन में आपको कोई मोड नहीं मिलता है। तो अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो तो मेरे हिसाब से ESG एडवेंचर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सीट में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है ESG एडवेंचर हिमालयन के कंपैरिजन में, बट वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, वो इतना इशू भी नहीं है, वो आप क्वेश्चनिंग करा सकते हो सीट की। और हिमालयन में अभी एक माइनस पॉइंट, हिमालयन वैसे बहुत अच्छी बाइक है, बट एक माइनस पॉइंट मुझे उसमें ये लग रहा है
कि आने वाले टाइम में शायद हिमालयन डिसकंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अभी 450 मॉडल आ रहा है हिमालयन का, तो हिमालयन अब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं शायद से कंपनी, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसी न्यूज़ है मार्केट में। तो अगर इन तीनों में आप देखते हो ना तो एच डी एडवेंचर बेस्ट है, अगर आपको एच डी समझ में नहीं आती तो हिमालयन। वी स्टॉर्म कंसिडर मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि इतना पैसा लगा के और आपको प्रॉपर एडवेंचर बाइक नहीं मिल रही है, वो मतलब प्रॉपर एडवेंचर मुझे फील नहीं हुई चलाने में भी, और शायद आपको भी नहीं होगी। एक बार आप टेस्ट राइड लेके देखना उसकी, आपको समझ में आएगी वो बाइक, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें। और अगर आपका बजट है 2 लाख से कम तो फिर जो है बेस्ट ऑप्शन है 200 हीरो एक्सप्रेस 200 4V। इससे बेस्ट बाइक आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज में, 1,56,000 में कोई बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है, माइलेज बहुत अच्छा है, ऑफ रोड बहुत अच्छी चलती है बाइक, हाईवेज पे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सिटी में भी अच्छी है। बस एक ही माइनस पॉइंट है इस बाइक का कि ये कंफर्टेबल नहीं है इतनी हाईवेज पर, तो उसके लिए सीट कुशनिंग कराई है बहुत लोगों ने भी, यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोज़ है जिनमें सीट कुशनिंग लोगों ने कराई है, तो वो आप करा सकते हो सीट कुशनिंग, और वो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका 1,60,000 के आसपास का बजट है 2 लाख से कम में। तो गाइज़ ये था मेरा कंक्लूजन इन चारों बाइक्स के लिए। अब आपको कौन सी समझ में आती है वो आप एक बार सबकी टेस्ट राइड लो और आपको समझ में आ जाएगी। इससे बेस्ट ऑप्शन इन 3 लाख से कम में 4 बाइक्स के अलावा मेरे हिसाब से कोई और नहीं है। तो अपनी बुकिंग हो चुकी है, अपन डिलीवरी लेने वाले हैं, और कौन सी डिलीवरी होने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अपना बाइक की डिलीवरी का, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने आपको समझाना चाहा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड फैमिली, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।